सम्मानित किया जा रहा है इस मंच से, कितनी खुशी है इस बात की और अवार्ड कितना मायने रखता है लोगों की जिंदगी। देखिए, कोई भी डायरेक्टर सबसे पहले रोल कैमरा एक्शन सीखना मेरे ख्याल से दादा साहब से सीखा है। अगर उसने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, उनके बारे में डिटेलिंग में पढ़ा है, स्टडी किया है। मैंने जिस चीज़ के लिए मुझे इस मंच पे अवार्ड मिल रहा है, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है अनफिट, वो बेसिकली किन्नर के ऊपर है, रियल स्टोरी है किन्नर की। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है इस चीज़ का कि शमीम भाई और उनकी इंटायर टीम इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव ले रही है कि वो नए टैलेंट को, मैं तो ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुका हूँ, लेकिन अनफिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समाज के लिए एकदम नया है, और इस अवार्ड सेरेमनी के अंदर उसको अवार्ड मिलना, यानी कि ये दो तरीके से किन्नर समाज को भी, एक एक नए अपकमिंग डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट, सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। आज आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है दादा साहब फिल्म यात्रा अवार्ड से, कितनी खुशी है और जब इस अवार्ड से आपको सम्मानित करने की आपको बात जब सुनी आपने तो क्या मन में फीलिंग्स थी आपके? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इस जगह पे, इस मंच पे खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में, दादा साहब फाल्के, जैसे कि दिलीप भाई ने बताया कि हमारी इंडस्ट्री के ये भीषम पितामह हैं। उनकी फर्स्ट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक साइलेंट फिल्म थी, और वो खुद एक बहुत बड़े स्क्रीन प्ले राइटर थे, डायरेक्टर थे, इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनके लिए मेरा कुछ भी बोलना बहुत छोटा, मतलब मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ। और आज मैं एक टाइम था कि मैं भी इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ। सो हमारी इंडस्ट्री के पितामह थे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। Thank you. Thank you, sir. Thank you.